नमस्कार दोस्तों आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर नंबर वन ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे तो आइए देखते हैं फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स विच एक्ट एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है जो कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा लगता है second point gravitational force was discovered by sir isaac newton third the ability of earth to attract any object towards itself are called gravity and this phenomena is known as gravitation fourth point gravitational force is applied any two object in the universe mathematically it can be written as f equal to g m1 m2 upon r square where f equal to gravitational force g gravitational constant m1 mass of first object m2 mass of second object and r distance between two objects next heading force and motion when any object change its position by applying a force then it is called a motion नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन वृत्ति गति एनी ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कार्ड सर्कुलर मोशन फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ निडल इन अ वॉच घड़ी की सुइयों की गति द मोशन ऑफ अ ब्लेड एन इन द फैन पंखे के पंखुड़ियों की गति द मोशन ऑफ अ टायर इन अ साइकिल साइकिल के पहियों की गति नेक्स्ट हेडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल अ फोर्स विच एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इन सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट हैज ट्राइज टू गो Towards the center because of centripetal force. Centripetal force mathematically can be written as F equal to mv square upon r, where F equal to centripetal force, m equal to mass of object, v equal to velocity of object, r equal to distance between center and object. For example, when tie a stone. End of string, take another end in your hand and rotate the string so that the stone will move along a circle. मतलब कोई भी ऐसा force होता है जैसे हम किसी पत्थर को रस्सी में बांध के घुमाएं तो वो रस्सी हमारा सेंटर बन जाएगा और वो पत्थर का वेट जो होगा वो हाथ की तरफ लगता है मतलब सेंटर की ओर लगता है उसे हम क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूटल फोर्स कहते हैं नेक्स्ट हेडिंग है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स विच एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग एलोंग अर सर्कल इज डायरेक्टेड अवे द सेंटर दिस इज कार्ड सेंट्री फ्यूगल फोर्स इन सेंट्री फ्यूगल फोर्स ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो अवे द सेंटर मतलब ये सेंटर से दूर जाएगा और सेंट्री पिटल में क्या होता था सेंटर के नजदीक आना चाहता था सेंटर बिकॉज ऑफ सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स मैथमेटिकली रिटेन एज सेम वही फॉर्मूला केवल यहां पे माइनस लग जाएगा एफ इक्वल टू माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर कैप्लर्स लॉ नेक्स्टिंग कैप्लर्स लॉ अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स लॉ मोशन ऑफ प्लेनेट फॉलो सर्टेन लॉज मेनली थ्री प्लेनेटरी मोशन एज फॉलोज तो इसके लिए सबसे पहले यह डायग्राम बना डायग्राम इंपॉर्टेंट है, है. ये क्या है इसका सन यहां पे इसका फोकस पे है और ये क्या है सेंट्रीपिटल ये क्या है इसका इलिप्टिकल सेप है और प्लैनेट हमारा यहां पे इसी पे मूव कर रहा है इलिप्टिकल पाथ पे और सेंटर पे सन क्या है फिक्स है ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये थ्री मार्क का क्वेश्चन लगभग आता है कैप्टरस लाइ इंपॉर्टेंट टॉपिक कैप्लर फर्स्ट ला कैप्लर फर्स्ट ला द आर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन एलिप्स एंड सन सेटल्ड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ इलिप्स सेपकेंड कैप्लस सेकेंड ला द लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट एंड सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थर्ड कैप्लस थर्ड ला द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ टाइम रिवेल्युएशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन फार्मूला क्या है इसका

यूनिवर्सल लॉ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय अ डेफिनेट फोर्स दिस फोर्स जो यूनिवर्स में फोर्स है वो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट बाय अ डेफिनेट फोर्स वो एक फोर्स से बधा होता है और दिस फोर्स फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस जो वो फोर्स होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मीन डिस्टेंस मतलब यफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी स्क्वायर नाउ कंबाइनिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन कर दिया प्रोपोर्शनल टू यम वन यम टू अपॉन डी स्क्वायर तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा यू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर वेयर वैल्यू ऑफ जी जी मतलब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया ये फिक्स वैल्यू रहती है वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम ये फिक्स वैल्यू रहेगी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हेडिंग है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स अब यहाँ पे ये एक सर्कल बना दिया जहाँ ये पूरा इसका आउटर पार्ट क्या कहलाएगा लगेगा सर्कम फेर वैल्यू क्या होती है टू पाई आर और यहाँ पे ये सेंटर है तो अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड वी इसकी कॉन्स्टेंट स्पीड क्या है सपोज किया वी दिस मोशन हैपेंस बाई अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर सो इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल

और पाई स्क्वायर का यहां पे पाई स्क्वायर रहेगा ये क्या है पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में सब्टीट्यूट कर देंगे मतलब कहां पे एम वी वी स्क्वायर के प्लेस पे सब्टीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर तो ये फोर पाई ये स्क्वायर की वैल्यू है तो यहां पर यम बी यम अपान आर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इंटू आर, आर आर इंटू आर से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया यम आर स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर ये आर और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर क्यूब और यहां से आर ये ऐसे रहा ये टी स्क्वायर ये आर इंटू आर मिलकर ये आर स्क्वायर हो गया तो बाई कैप्लस थर्ड ला हमको थर्ड लॉ पता है क्या होता है टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के तो टी स्क्वायर अपान आर क्यूब इक्वल टू के तो यहां से हम निकाल लिया टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आर क्यूब के अब यहां से क्या किया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो टी स्क्वायर अपान के इक्वल टू आर क्यूब हो गया तो वन अपान इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब अपॉन टी स्क्वायर अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे सेकंड मतलब इस इक्वेशन में आरक्यू बपान टी प्लेस में वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू वन अपान के ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपान के अब ये पूरा टर्म यहां पे क्या हो गया ये कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट हो गया तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे यफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर यफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर वन मैथमेटिकल एग्जाम्पल है महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम ईच अदर देयर मासेस आर 75 के जी एंड एट्टी के जी रिस्पेक्टिवली वट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? गिवेन है हमको आर इक्वल टू वन मीटर एम वन इक्वल टू सेवेंटी फाइव किलोग्राम एम टू इक्वल टू एट्टी के जी एंड जी इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन माइनस इलेवन न्यूटन मीटर पर सेकेंड पर किलोग्राम स्क्वायर तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ला हमें पता है एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी की वैल्यू हमने यहाँ पेट कर दिया मल्टीप्लाइड माइनस इलेवन एम वन सेवन गिवेन है और एम टू एवन है दोनों के डिस्टेंस वन मीटर स्क्वायर गिवेन है वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख के सॉल्व कर दिया तो आंसर क्या आ गया फोर पॉइंट जीरो जीरो टू मल्टीप्लाइड टेन टू पावर माइनस सेवन न्यूटन तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट फोर पॉइंट जीरो जीरो टू मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस सेवन न्यूटन ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है इन द एब एग्जाम्पल एज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस लेस स्टार्टिंग विथ जीरो वेलासिटी वट विल बी महेंद्राज वेलॉसिटी ऑफ मोशन टूवर्ड्स द विराट आफ्टर वन सेकेंड वन सेकेंड विल दिस वेलॉसिटी चेंज विथ टाइम एंड हाउ तो फोर्स ऑफ महिंद्रा ऑन महिंद्रा यू फोर पॉइंट जीरो जीरो टू मल्टीप्लाई टन टू पार माइनस सेवन न्यूटन यह अभी हमने फाइंड आउट ही किया था महिंद्रा मास सेवेंटी फाइव ये भी गिवन है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड ला देंट्रीड द एसिलेशन प्रोड्यूस बाई द फोर्स ऑफ ऑन महिंद्रा एम इक्वल टू सेवेंटी फाइव ए इक्वल टू यान वैल्यू सारी रख के कैलकुलेट किए तो आ गया फाइव पॉइंट थ्री फोर मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूजिंग न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन वी कैन कैलक्युलेट महेंद्राज वेलोसिटी आफ्टर वन सेकेंड न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस एटी सिंस इनिशियल वेलासिटी इज जीरोक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू एज्यूमिंग द बेंच टू बी फ्रिक्शन लेस तो वी इक्वल टू जीरो प्लस फाइव पॉइंट थ्री फोर मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस नाइन मल्टीप्लाई वन मीटर पर सेकेंड सारी वैल्यू हमने यहां पर रख दिया तो क्या आ जाएगा महेंद्राज वॉस्टी आफ्टर वन सेकेंड विल बी फाइव पॉइंट थ्री फोर मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस नाइन मीटर पर सेकेंड यह आपका कैलकुलेशन आ गया नेक्स्ट हेडिंग है लो एंड हाई टाइड्स लो एंड हाई टाइड्स आकर रेगुलरली इन द सी लो एंड हाई टाइड्स क्या होता है ये एक इंटरवल के पश्चात समुद्र में आता रहता है द लेवल ऑफ सी वाटर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेस ट्वाइस अ डे एट अ रेगुलर इंटरवल कार्ड एज हाई एंड लो टाइड्स द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाई मून सी वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टर्ड्स द टूवर्ड्स द मून सो दैट हाई टाइड्स टेक प्लेस एट टू प्लेसेज ऑन द अर्थ एट नाइंटी डिग्री फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाई टाइड्स लेवल ऑफ वाटर इज मिनिमम सो दैट लो टाइड्स अकर नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड्स इट्स सेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर सो दैट वेन वी थ्रो एनी स्टोन इन द स्काई देन अर्थ पुल्ड इट टूवर्ड्स इट्स सेंटर सो दैट ऑब्जेक्ट फॉल डाउन अर्थ क्या करती है अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को जो उसके आसपास रहता है इट्स सेल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मतलब जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है सीजी है वो क्या रहता है सेंटर में सिचुएटेड है और जैसे ही हम कोई स्टोन ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो क्या करती है अर्थ अपनी सेंटर की तरफ उसको खींच लेती है इसलिए वो ऑब्जेक्ट क्या होता है घिर जाता है नेक्स्ट हेडिंग एग्जाम्पल है कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महिंद्रा इन द तो मास ऑफ अर्थ हमको फोर के जी रेडियस ऑफ अर्थ आर इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाइड मीटर महिंद्रा मास सेवेंटी फाइव के जी जी इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन टू पावर माइनस अलेवन न्यूट्रन मीटर स्क्वायर पर के जी यूजिंग द फोर्स ला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल टू जी इसमें यूजिंग द फोर्स अल्लाह एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द महिंद्रा ड्यू टू अर्थ इज गिवेन बाई द फोर्स इज 1.83 पॉइंट मल्टीप्लाई टेन टू पावर 9 टाइम्स लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महिंद्रा एंड विराट तो अब इसमें हमको एफ फाइंड आउट करना है एफ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला जी एम वन एम टू आर स्क्वायर तो सारी वैल्यूज रख देंगे जी की वैल्यू रख दिया हमने टेन सिक्स uh, सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड टेन टू पावर माइनस इलेवन एम वन की वैल्यू सिक्स मल्टीप्लाइड टेन टू पावर ट्वेंटी फोर और एम टू की वैल्यू सेवेंटी फाइव आर की वैल्यू सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड टेन टू पावर सिक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर क्यों क्योंकि आर स्क्वायर और इन सबको पूरा कैलकुलेट जब कर लेंगे यहां से पावर सिंपलीफाई करके कट कर दिए तो हमारे पास यहां पे वैल्यू मिल जा रही है हमको क्या एफ इक्वल टू सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव हंड्रेड अपॉन सिक्सटी फोर इंटू इसको कट करके जब साल किया तो आगे सेवन सेवन हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट सेवन अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अर्थ ग्रे, ग्रेविटेशनल एसिलोरेशन इंपॉर्टेंट हेडिंग यह भी रहेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ फोर्स मोशन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एसिलेशन सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी इज इट्स एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटी एसिलेशन इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी इट इज वेक्टर क्वांटिटी फार्मूला क्या होता है एफ इक्वल टू एम जी या जी इक्वल टू एफ अपॉन एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम वैल्यू ऑफ जी ऑन द स्फीयर फार्मूला हमको पता है एफ इक्वल टू जी यम यम अपॉन आर स्क्वायर यहां पे कैपिटल मास ऑफ अर्थ है और दूसरा फार्मूला हमको पता है क्या एफ इक्वल टू यम जी तो ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू इक्वल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका एम जी इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर यहां से यम से यम कैंसिल हो जाएगा जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आर इक्वल टू आर हो जाएगा दस द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज क्या हो जाएगा जी इक्वल टू जीएम अपान आर स्क्वायर द यूनिट ऑफ जी इज एस आई इज मीटर पर सेकेंड मतलब जी की जो एसआई SI यूनिट है वो क्या है मीटर पर सेकंड है मास एंड रेडियस ऑफ आपका जी इक्वल टू सिक्स सेवन मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस इलेवन मल्टीप्लाई सिक्स इन टू टेन की पावर ट्वेंटी फोर अपान सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कैलकुलेट कर दिया तो आ गया नाइन पॉइंट सेवन सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपकी वैल्यू आ गई अब देखेंगे अगली इसी में कंटिन्यूटी में तो देखेंगे ये अर्थ मास है और ये क्या है सेटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आर है इसका मास कैपिटल कैपिटलियम इसका मास स्मालियम यवल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर एफ इक्वल टू एम जी एम से एम कैंसिल तो जी इक्वल टू क्या आ गया आपका जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर जी इक्वल टू सिक्स सेवन मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस एलेवन मल्टीप्लाईड सिक्स मल्टीप्लाई टेन टू पावर ट्वेंटी फोर अपान सिक्स पॉइंट सिक्स फोर टेन टू पावर सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई टेन टू पावर सिक्स इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एक जी की वैल्यू आ जाएगी अराउंड नाइन पॉइंट सेवन सेवन मीटर पर सेकेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी तो वेरिएशन मतलब जी की वैल्यू कब कब वेरी करेगी, कब कब चेंज होगी तो इसका ये थ्री टाइप से चेंज करेंगी वेरिएशन इन जी पहला चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ दूसरा चेंज इन हाइट चेंज विथ हाइट तीसरा चेंज विथ डेप्थ गहराई पे ऊंचाई पे और अर्थ की सतह पर पहला इसमें चेंज अलोंग द सर्फेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज हाइट नाइन पॉइंट एट थ्री टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द पोल्स ऑफ अर्थ एंड लोवेस्ट नाइन पॉइंट सेवन एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ ये फर्स्ट पॉइंट था सेकेंड चेंज विथ हाइट द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ हाइट एज सोन इन द टेबल यहां पर एक टेबल दिखाया गया है तो इस टेबल में सबसे पहले है प्लेस हाइट और जी की वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ एवरेज क्या है हाइट जीरो है और वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन पॉइंट एट माउंट एवरेस्ट पे हाइट एट पॉइंट एट किलोमीटर है और यहां पे जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट ही है मैक्सिमम हाइट रेज्ड बाय मैन मेड बलून तो हाइट रहेगी थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स और इसकी जी की वैल्यू हो जाएगी नाइन पॉइंट सेवन सेवन हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट हाइट है इसकी 400 किलोमीटर तो इसका जी का मान हो जाएगा जी की वैल्यू हो जाएगी 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेक्स्ट हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट 35,700 तो जी की वैल्यू हो जाएगी 0.225 चेंज विथ डेप्थ गहराई के अनुसार क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो डीप इन साइड द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून ईच अबाउट वन अपॉन सिक्स एंड मास वन अपॉन एट ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ मास नहीं यहां पे मार्स रहेगा मतलब जो मून पे है मून पे इसका वन बाई सिक्स रहेगा और मार्स मतलब मंगल ग्रह पे वन बाई एट रहेगा नेक्स्ट हेडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटिंग डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट फर्स्ट पॉइंट है मास एंड वेट में मास इट इज क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी वेट इट इज द फोर्स विथ विच इज विच अ बॉडी इट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सेकेंड पॉइंट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो इफ जी बिकम्स जीरो मास ऑफ मास इज स्मॉलर क्वांटिटी वेट इज वेक्टर क्वांटिटी मास इज स्केलर यहां पे स्मॉलर नहीं स्केलर है यस स्केलर मास इज स्केलर क्वांटिटी वेट इज वेक्टर क्वांटिटी द एस आई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम वेयर एज एस आई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन मास इट इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेस एंड पोजिशन ऑफ बॉडी मतलब मास चेंज कभी भी नहीं होगा और इंडिपेंडेंट है फ्रीज है बट इट वेट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है लास्ट पॉइंट इट इज मेजर्ड बाई बीम बैलेंस और अ फिजिकल बैलेंस इट इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस इट इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस मतलब वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करेंगे और मास को हम फिजिकल बैलेंस से मेजर करेंगे नेक्स्टिंग साल एग्जाम्पल इफ अ पर्सन वेट सेवन फिफ्टी न्यूटन ऑन द अर्थ हाउ मच उड बी हिज वेट ऑन द मून द मून मास इज वन अपॉन एट्टी वन ऑफ दैट एट्टी वन ऑफ दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज वन अपॉन थ्री पॉइंट सेवन ऑफ द दैट ऑफ द अर्थ तो ये इसको क्या कर देना वन बाई सिक्स कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा तो एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ गिवेन है आर ई रेडियस ऑफ मून मतलब आर ई अपॉन आर एम मतलब रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून गिवेन एन थ्री पॉइंट सेवन सेम द पर्सन बी एमकेजी वेट ऑफ द मास अर्थ एम एम जीवल टू सेवन फिफ्टी एम इक्वल टू जी एम यहां से वैल्यू क्या आ गई सेवन फिफ्टी आर ई स्क्वेशन आपका क्या हो गया फर्स्ट हो गया है वेट ऑफ मून वेट ऑफ मून वेट ऑन मून एम जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर एम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेवन फिफ्टी आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई मल्टीप्लाई जी एम एम अपन आर एम स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा सेवन फिफ्टी आर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम पूरा कैलकुलेट कर देंगे तो इक्वल टू आ गया अराउंड वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट सेकेंड मेथड क्या है जो इंपॉर्टेंट है इजी भी है वेट ऑफ वेट ऑन मून इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ अपान बाई सिक्स तो वेट ऑन मून इक्वल टू सेवन फिफ्टी अपॉन सिक्स क्योंकि सिक्स से डिवाइड कर दिया तो अराउंड आ गया वेट ऑफ मून वन ट्वेंटी फाइव न्यूटन ये आपका आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट हेडिंग ग्रेविटेशनल वेव्स ग्रेविटेशनल वेव्स पॉइंट वाइज है मतलब कि ग्रेविटेशनल वेवस मतलब गुरुत्वी तरंगे पहला पॉइंट है वेन एनी स्टोन थ्रो इन अ वाटर देन वेब्स आर क्रिएटेड सिमिलरली वेब्स जनरेटेड ऑन स्ट्रिंग वेब्स वेन बोथ इंड आर हैंड इन हैंड एंड इट इज सेक्ड सेकेंड लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव gamma rays x rays u v rays ir rays microwaves and radio waves are different type of electromagnetic waves third gravitational waves are different type of waves so that it is called as waves on fabric of space time it is weak weak force fourth many scientists constructed एक्सटर्नली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट टू ग्रेविटेशनल वेब्स नेम एज लीगो लीगो मीन्स लेजर इंटरफेरोमैगट्रिक ग्रेविटेशनल वेब्स ऑब्जर्वेटरी तो यह आपका ग्रेविटेशनल वेब्स हो गया अब नेक्स्ट देखेंगे हम फ्री फॉल when any object moves under the influence of force of gravity alone, alone then it is said to be object falling freely the initial velocity of object is 0 and free fall is possible only in vacuum for example uh, we know that equation of motion v equal to u plus 80 s equal to u t plus half a t हाफ एटी स्क्वायर है यहां पर क्या रहेगा स्क्वायर हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस यहां ये कुछ नहीं है टू ए एस फॉर फ्री फॉल फ्री फॉल के लिए क्या होता है फ्री फॉल के लिए u आपका जीरो हो जाएगा a हो जाएगा g तो ये पहला वाला बिकम्स क्या हो जाएगा v इक्वल टू जीटी सेकेंड वाला येस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर थर्ड वाला वी स्क्वायर क्वल टू टू जीएस क्या हो जाएगा yes, v equal to 2gs. तो ये free fall आपका हो जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी दिस एनर्जी इज इंक्रीजेज एज वी गो टू ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ When an object is at a small height from the surface of Earth, the potential energy will be PE equal to minus GMm upon r plus h. r plus h. Next heading: Escape velocity. Escape velocity. The velocity by which any object escape from the gravitational fields of Earth. आर सेट टू बी स्केप वेलास्टी फॉर अर्थ इट इज इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड इट्स फॉर्मूला वी स्केप इक्वल टू रूट टू जी एम अपान आर टू जीएम अपान आर वेटलेसनेस इन स्पेस द वेटलेसनेस बिकॉज बाई फ्री फॉल बिकॉज बाई फ्री फॉल The force acting on object is gravitational force of the earth. Earth velocity of free fall does not depend on properties of on properties of an object. The velocity of free fall is same for the spacecraft travels and the object in the craft if a traveller reduces a uh, एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम हर हैंड इट विल रिमेन स्टेशनरी सो दैट विल इट विल अपीयर टू बी वेट लेसनेस नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के एग्जाम्पल आ गए अब ध्यान से देखिए एंड ऑब्जेक्ट टेक्स फाइव सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ एम ऑन अ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है यस इक्वल टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क् ए टी नहीं यहां पे यू टी होगा ये क्या है यूटी इनिशियल वालास्टी इनिशियल वालास्टी क्या है जीरोक्वल टू जीरो इंटू फाइव प्लस हाफ जी और टी की वैल्यू फाइव सेकंड है तो फाइव yes तो का स्क्वायर यस इक्वल टू क्या हो गया जीरो इंटू फाइव जीरो और ये फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव टू इंटू जी तो यस हाइट फाइव था फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू जी कैलकुलेट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो यस yes की वैल्यू क्या आ गई जीरो पॉइंट फोर ये वैल्यू ऑफ जी है ग्रेविटी कितना आ गया जीरो पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर सेकेंड द रेडियस ऑफ अ प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी इफ द मास ऑफ एज एम एंड वट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ दिस वैल्यू ऑन ए तो एम वन इक्वल टू यम एम टू आर वन इक्वल टू आर अपॉन टू जी वन इक्वल टू जी यहाँ पे जी टू की वैल्यू क्या है जी बाई टू फार्मूला हमें पता है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू रख देंगे इसमें तो जी वन इक्वल टू जी एम वन अपान आर वन स्क्वायर जी इक्वल टू जी एम एम वन के प्लेस और आर वन के प्लेस पे आर बाई टू का होल स्क्वायर तो सेकंड के लिए कंडीशन आके आ गई हमको जी जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर अपॉन फोर इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया जी टू इक्वल टू फोर जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट जी जी एम टू अपॉन आर टू स्क्वायर तो जी बाई टू इक्वल टू जी एम टू अपॉन आर स्क्वा जी इक्वल टू टू जी एम टू अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया जी अपॉन जी इक्वल टू टू जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर अपान टू जी एम टू अपान आर स्क्वायर कट कर दिया तो इसको आगे वन इक्वल टू टू एम ए अपान एम 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 टू स्क्वायर टू इक्वल टू टू एम ए. थर्ड एग्जांपल है मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर फाइव किलोग्राम एंड फोर्टी नाइन न्यूटन रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून एज्यूम दैट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज वन बाई सिक्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ तो अर्थ के लिए मून के लिए अर्थ के लिए एम वन इक्वल टू फाइव के जी डब्लू वन इक्वल टू फोर के जी और यम टू निकालना है डब्ल्यू टू निकालना है तो वी नो दैट मास इज कॉन्स्टेंट इसलिए यम वन इक्वल टू यम टू हो गया मतलब जो मून पे है वही अर्थ पे है तो यम टू की वैल्यू आ गई फाइव के जी और डब्लू टू हमको पता है वन बाय सिक्स होता है डब्ल्यू वन अर्थ का तो so, डब्ल्यू टू इक्वल टू वन बाई सिक्स और डब्ल्यू वन हमको गिवन है फोर्टी नाइन डिवाइड कर दिया आ गया कितना डब्ल्यू टू फाइव पॉइंट वन सिक्स या डब्ल्यू टू मतलब फाइव पॉइंट वन सेवन न्यूटन ये आपका वैल्यू हो जाएगा अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेज हाइट ऑफ फाइव हंड्रेड मीटर वट वॉज इट्स इनिशियल वेलासिटी हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ एज्यूम जी इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड वैल्यू फार्मूला हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी और वी मतलब फाइनल वेलासिटी जीरो है तो यहां पर हम फार्मूले में रख देंगे कैलकुलेट कर देंगे यू की वैल्यू आ जाएगी कितना ंड्रेड मीटर पर सेकेंड सेम ऐसे सेकंड फार्मूले से हम निकालेंगे तो इन फाइनल वालासिटी जीरो है इनिशियल वालासिटी हंड्रेड है और सारी वैल्यूज रख के टाइम निकालेंगे तो टाइम आ गया कितना टेन सेकेंड टी वन आ गया टेन सेकेंड तो टी टू भी मतलब जितना समय आने में लगेगा उतना समय जाने में लगेगा तो दोनों इक्वल रहेगा टेन सेकेंड तो टोटल टी क्या हो जाएगा टी वन प्लस टी टू मतलब टेन प्लस टेन मतलब ट्वेंटी सेकेंड इक्वल टू कितना आगे ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन नंबर फाइव द मासेस ऑफ अर्थ एंड एंड मून आर सिक्स मल्टीप्लाइड टेन टू पावर ट्वेंटी फोर के जी एंड सेवन पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड टेन टू पावर ट्वेंटी टू के जी रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस बिटवीन देम इज थ्री पॉइंट एट फोर मल्टीप्लाईड टेन टू पावर फाइव किलोमीटर कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मास ऑफ अर्थल टू सिक्स 10 टेन टू पावर ट्वेंटी फोर के जी एम टू सेवन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई टेन टू पावर ट्वेंटी टू के जी आर गिवेन है थ्री पॉइंट एट फोर सारी वैल्यूज हम रख देंगे इस फार्मूले में एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर तो इसमें जब वैल्यू रख के हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा सारी वैल्यू जी की वैल्यू हमने रख दिया एम वन की वैल्यू रख दिया एम टू की वैल्यू रख दिया आर की वैल्यू रख दिया और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी ट्वेंटी पॉइंट वन सेवन फोर वन फाइव मल्टीप्लाइड टेन टू पावर नाइनटीन और भी इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा अराउंड कितना ये आ जाएगा आपका टू मल्टीप्लाइड टेन टू पावर ट्वेंटी न्यूटन अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल द मास ऑफ अर्थ इज सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाइड टेन टू पावर ट्वेंटी फोर के जी द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाईड टेन टू पावर इलेवन न्यूटन मीटर इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इज थ्री पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड टेन टू पावर ट्वेंटी टू न्यूटन वॉट इज द मास ऑफ सन तो इसमें गिवन है हमको मास ऑफ अर्थ सिक्स पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन टू पावर ट्वेंटी फोर के जी मास ऑफ सन एम टू निकालना है डिस्टेंस बिटवीन देम आर ये गिवन है फार्मूला अप्लाई किया टू तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर आर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर का तो यर स्क्वायर इक्वल टू तो जी वन टू और यहां से यम वन का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एफ आर स्क्वायर अपॉन जी वन इक्वल टू यम टू तो यम टू तो की वैल्यू आ गई F, R2, G, M. सारी वैल्यूज़ रख F की वैल्यू रख दी आर की वैल्यू रख दिए जी की वैल्यू रख दी एम वन की वैल्यू तो यम टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी ये सारी वैल्यूज रख दिए सारी वैल्यूज रखने के बाद M2 टू की वैल्यू आ गई वन पॉइंट नाइन सिक्स मल्टीप्लाई टेन टू पावर थर्टी किलोग्राम ये आपका आंसर मास ऑफ स ऑफ सन निकल जाएगा 1.96 पॉइंट नाइन सिक्स टेन टू पावर थर्टी किलोग्राम अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन वन सेकेंड एज्यूमिंग जी इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट इट्स स्पीड एंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ टेबल तो ये डायग्राम से पूरा डिनोट कर दिया जस्ट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यस मतलब कि जो डिस्टेंस है वही हाइट हो जाएगी तो यस इक्वल टू यच हो गया इनिशियल वेलोसिटी जीरो है टाइम टी है 10, a और हाफ एक्सलोरेशन टेन ए की वैल्यू जी हो गई और टी के प्लेस पे वन इसको पूरा कैलकुलेट कर दिया तो यच इक्वल टू आ गया फाइव मीटर अब वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ए की वैल्यू मतलब यहाँ पे जी की वैल्यू टेन है और टाइम वन है तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी टेन मीटर पर सेकेंड तो स्पीड क्या है टेन मीटर पर सेकेंड और हाइट क्या है हाइट है फाइव मीटर धन्यवाद थैंक यू